वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल अवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से शुरू हो रहा है यूपी और बिहार का सबसे बड़ा पर्व, जी हाँ, छठ पर्व, जो कि 4 दिनों तक चलेगा। और आज है पहला दिन, जी हाँ, आज है नहा खाए। तो नहा खाए की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग के घर में भी नहा खाए हुआ होगा, आप लोग करते हैं तो देखिए मेरे ब्लॉग में कि कैसे कद्दू दाल बनता है, कैसे नहा खाए का प्रसाद बनता है। और आज मम्मी गई हैं, जी हाँ, गंगा जी। तो गंगा जी का भी क्लिप आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल मैं भी कर रही हूँ, पिछले साल का अगर आप ब्लॉग देखे होंगे तो मैं भी की हूँ, इस साल भी कर रही हूँ। तो ये लोक आस्था का महापर्व है, तो इसकी आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे एक चीज़ दिखा लूँ, कुंज की बदमाशी। देखिए कुंज क्या कर रहा है, देखिए कुंज को। आप लोग कुंज की बदमाशियाँ देख ली, अब मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। सबसे पहले आप लोग हमारे ब्लॉग में दिनकर दीनानाथ को प्रणाम कर लीजिए। जी हाँ, आज से इनका जो व्रत है वो शुरू हो चुका है। और नहा खाए के रोज़ लोग गंगा जी में नहाते हैं बहुत लोग, तो हमारे यहाँ गंगा जी नज़दीक है, तो यहाँ पे मम्मी और मौसी नहा रही हैं। नहाने के बाद जो होता है वो गंगा मैया को पूजा जाता है, तो यहाँ पर मम्मी और मौसी बैठ के गंगा मैया को पूज रही हैं, देख सकते हो। और फाइनली यहाँ पर पूजा कर रही हैं मौसी और मम्मी। और फाइनली पूजा करने के बाद जब मम्मी घर आई, तो जी हाँ, आज लोग गेहूँ सुखाते हैं, तो आज मम्मी जो है वो गेहूँ धो के सुखा रही है। जी हाँ, ये जो गेहूँ है वो प्रसाद के लिए रहता है, तो अभी मम्मी इसको चुन के उसके बाद अच्छे से इस गेहूँ को साफ़ करेंगी। और साफ़ करके धो के अभी यहाँ पे मम्मी गेहूँ को सुखाएंगी। और सुखाया भी जाता है, तो जब तक गेहूँ सूख ना जाए तब तक लोग घर के खाना नहीं खाते हैं, जी हाँ, जो परवैतिन होती हैं। और जब तक परवैतिन ना खाए तब तक घर के अदर मेम्बर भी खाना नहीं खाते उस दिन, जी हाँ, नहा खा के रोज़। ये रिवाज है हम लोग के यहाँ, ऐसा होता है। आप लोग के घर में अगर ऐसा होता हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मम्मी जो है वो गेहूँ पूरी तरह डाल दी हैं, और अब गेहूँ को मम्मी सुखाने के लिए हाथ से वो बिछा रही हैं। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जो है वो गेहूँ को पूरी तरह से एक बराबर करके डाल दी है चादर पे सुखाने के लिए। जल्दी जितना पतला वो करेंगी उतना ही जल्दी। नहा खाए के रोज़ या रिवाज होता है कि पैर रंगा जाता है, नाखून काटा जाता है, जी हाँ, इस दिन। और उसके बाद आप नहा सकते हो, वो भी आम के दतमन से ब्रश की दतमन किया जाता है। और जी हाँ, नहा खाए के रोज़ कद्दू जो होता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर देख सकते हो मेरी ननद जो है वो खाना बनाने के लिए कद्दू को छील रही हैं, और यहाँ पे देख रहे हो पूरी तरह से छील ली है और इसको काटेंगी, जी हाँ, कद्दू को। कद्दू का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है मार्केट में। आज के रोज़ नहा खाए के रोज़ कद्दू बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता भी है, और इस दिन कद्दू दाल, कद्दू चना का दाल और कद्दू भात बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है। आज के दिन प्रसाद में सारे लोग मांग के भी खाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो ननद है वो छौंका लगाई है, जी हाँ, इसमें रिफाइन या ऑयल और सरसों ऑयल का नहीं यूज होता है, तेल का, घी में ही बनता है आज के रोज़ खाना। और आज का जो खाना होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी या स्वादिष्ट, बोलिए कि महिमा जो है भगवान का वो आ जाता है उसमें, इतना टेस्टी लगता है बिना लहसुन प्याज का कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग भी ये चीज़ फील किए होंगे, और मैं बचपन से करती आ रही हूँ क्योंकि हमारे घर हर रोज़ हर बार होता है ये। और यहाँ पर फाइनली कद्दू का सब्जी बन चुका है, देख सकते हो। और उसके बाद देखिए किचन में और क्या क्या खाना बनेगा। तो ये फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, टमाटर जो है वो नहीं डालेंगे क्योंकि ये वो रेड होता है इसीलिए। और यहाँ पे देखते हो कद्दू का बजका बनेगा, जी हाँ, कद्दू का बजका बन रहा है। अब हम लोग मेरे मायके में इसको तरुआ बोलते हैं, और मेरे ससुराल में है बजका, यहाँ पे बोला जाता है। और यहाँ पे फाइनली मैं भी किचन में आ गई हूँ, मेरी ननद बहुत ही मेहनत कर रही थी तो थोड़ा सा मैं भी आ गई हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे फाइनली खाना बन चुका है और 3 जगह लग गया है। आप सोच रहे हो कि 3 जगह क्यों लगा है, तो यहाँ पर मैं, मौसी जी, जी हाँ,
मैं, मौसी जी और मम्मी, ये तीनों लोग छठ करते हैं। अगर आप मेरा प्रीवियस का ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक लगा दूंगी अपने वीडियो का, नहा खाए का, तो आप वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और फिलहाल यहां पे देख सकते हो फाइनली हम लोगों का नहा खाए हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और छठी मैया आप सबकी, आप सब पे कृपा करें और आप सब ऐसे ही खुशहाल रहें और मेरे वीडियो को ऐसे ही ढेर सारा प्यार दें। और ऐसे ही आप लोग भी अपने घर में छठ बहुत अच्छे से मनाएँ, खुश रहें, हैप्पी रहें, स्टे सेफ़।